I live inside my own world of make-believe. Hello people, good morning again from Khajuraho. Today we are in Khajuraho as I told last night. और आज हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, तो मैं जल्दी से सामान वगैरह सब देख लूँ कि सब चला गया है या नहीं. तो अभी प्लान है कि हम लोग खजुराहो के सारे टेम्पल्स घूमेंगे, थोड़े शायद वाटरफॉल वगैरह अगर हमें टाइम परमिट करता है तो फिर हम लोग वाटरफॉल वगैरह भी घूमेंगे. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी घूमना. आई हैव रेड लॉर्ड अबाउट दिस प्रॉपर्टी. तो आज हम चलते हैं पहले ये प्रॉपर्टी चेकआउट करें. एक ज़रूरी सूचना, क्योंकि हमारा बहुत सारा सामान है और हम हर जगह अपनी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते. सो आई ट्राई आस्क देम कि इनके पास में कोई क्लोक रूम है या नहीं, वहाँ पर हम सारा सामान डंप करेंगे. और Kids screaming in the cradles, profanities. So now we are heading to see the property first, then we will see two temples, eastern and western temple. और अभी वाटरफॉल देखने का प्लान थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है क्योंकि इट्स ऑन आवर वे. तो भाई जाते हुए देख लेंगे ना, है ना? मनाली में आपके जूते गीले हो जाए तो उसे बड़े से हेरिटेज होटल के पूल में सुखा देना चाहिए. अनुभव स्वरूप क्या ना करें, भाई पूल है तो फोटो तो खिंचेंगी ना, मतलब कोई शक ही नहीं है इसमें. भैया नाम तो बता दीजिए अपना. नाम हमारा नाम कृपाल पटेल. कृपाल पटेल जी जी, पटेल जी, पटेल जी, पटेल जी बोलते हैं पटेल. ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बंदिश बैंडिट्स की शूटिंग होने वाली है अंदर. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than I used. समझ में नहीं आया था कि यही था वो जगह जहाँ पे हम आए थे. तो जी असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि ये ट्राइपॉड आप अंदर नहीं लेके जा सकते. ये वैसे ट्राइपॉड के नाम पे कलंक है, लेकिन दिस गोल्स. अब आई थिंक सही से वेलकम टू द न्यू डे. हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो टेम्पल पहुँच चुके हैं. बहुत सारे सजेशंस देने हैं मुझे एज आई स्टार्ट माई डे विद लॉट ऑफ सजेशंस हियर. नंबर वन, नो ट्राइपॉड्स अलाउड. नंबर टू, टिकट ऑनलाइन खरीदनी पड़ेगी. एक मिनट और रुकिए. बात कर रहे थे कि यहाँ पर दो गेट्स हैं, एक वेस्टर्न गेट है और एक ईस्टर्न गेट है. और आई थिंक ईस्टर्न गेट को मिलाकर पूरे 12 टेम्पल्स हैं. घूमते घूमते थक जाएंगे आप. हाँ जी, तो अपन फिर से बात करते हैं. सजेशन नंबर 3 हमारी लिस्ट में है. नहीं, एक्चुअली मेरे पास अभी दो सजेशन है. सजेशन नंबर 3 इज कभी भी लेस वाले जूते मत पहन कर आइए, इतने बार उतारने पड़ेंगे. एंड नंबर 4 सजेशन इज अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि सब लोग को साइड में करके फोटोज खींचते हैं. सजेशन नंबर 115,
गाइड है 1800 रुपए का, लेना है तो लें, नहीं तो जाने दे, क्योंकि हमने तो जाने दिया. With frogs, cold night and the winter heart cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. मुझे शुरू में देख के बहुत ही अनरियल लगता है, लेकिन जब पास आकर देखो तो पता चलता है गुड डेफिनेशन ऑफ आर्ट. मैंने कितने बार अपने ब्लॉग्स में बोला है कि अनुभव मुझे छोड़ के भाग गया. दिस टाइम ऑल्सो आई कांट सी हिम. अभी तक हमने 4-5 टेम्पल देखे हैं, लेकिन दिस इज माई फर्स्ट टेम्पल जिसके हम अंदर जा रहे हैं. सो लेट्स चेक आउट दैट. उससे पहले यू चेक आउट द व्यू. शॉट लेने की कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मेरे हाथ इतने ज़्यादा स्टेबल हैं. मैं सोचा थोड़ा सा छाव में आके बात की जाए. टेम्परेचर हो रहा है 23 डिग्रीज. कहाँ हम माइनस में थे और कहाँ हम 23 डिग्रीज पे आ चुके हैं. व्हाट डू यू थिंक अनुभव? इट्स हॉट. इज इट हॉट अनुभव? यस एंड यू आर आल्सो. मेरी चॉइस पहनोगी ना तो ऐसे ही रहेगा. सर आप ही तो हैं जिसकी वजह से मैं जी रही हूँ. तुम्हारी चॉइस में पता क्या होता है अभी? नाइकी वाला. दिस इज माय चॉइस. नाइकी वाला. दिस इज माय चॉइस. तुम तो ब्लू दिला दोगी. मैं ब्लू नहीं दिला रही थी. मैंने बोला था कि ब्लैक लो उसके बाद उल्लू. आवाज आती है अमिताभ बच्चन की. स्पीकर्स रखे हैं. मैंने सोचा कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, लेकिन केस अगर आप चाहते हैं कि आप लाइट शो देखना है, अगर आपको मतलब इन केस तो 6:30 to 7:30 टाइम है हिंदी शो का, नहीं आई सॉरी 6:30 to 7:30 इंग्लिश शो का टाइम है, और 7:30 to 8:30 हिंदी वाले शो का टाइम है. हिंदी वाला शो अमिताभ बच्चन की आवाज़ में होता है, क्योंकि वो मैंने देखा था क्योंकि हम लेट पहुँचे थे. इंग्लिश वाला शो आई डोंट रियली नो, सो खुद ही देख लेना. हाँ आई थिंक जब हिंदी में बोल सकते तो इंग्लिश में तो उनकी आवाज़ होगी, लेकिन अच्छा था मतलब ठीक था. जैसा मैंने बताया था कि 4 कॉम्प्लेक्स हैं, सो आई शो फ्रॉम हियर, क्योंकि आई थिंक आई एम द मिडल ऑफ ऑल द 4. एक ये है, एक उधर है, एक उधर है, और एक वो है. सुशील सिंह. आप कभी भी आए सुशील भैया से जरूर मिले. सो द प्लान राइट नाउ इज टू लीव खजुराहो, क्योंकि अब हमारे पास में टाइम का बहुत क्रंच हो रहा है. आई थिंक इससे ज़्यादा अगर हमने लेट किया तो फिर हम रास्ते में फंस सकते हैं, विच वी डेफिनेटली डेफिनेटली डू नॉट वॉन्ट. तो वी आर जस्ट गोइंग टू राजा कैफे, सामने है, जो काफ़ी बढ़िया वाइब दे रहा है. सो वी विल जस्ट गो देयर, हैव समथिंग टू ईट प्रोबेबली, या फिर हम पन्ना में खाएंगे. वी विल जस्ट यू नो अपना फ़ोन चार्ज करेंगे और अपने पेट को चार्ज करेंगे, देन वी विल हेड टू द रोड. चलें. भैया डैम किधर है? डैम देखने वाला. डैम? डैम हाँ. डैम देखने और आगे चली जाओ, सीढ़ी लगी है, यहाँ से चढ़ जाओ. ये चढ़ जाएगी गाड़ी? And when I go, sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah. The end. Got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way. Disappointed. हम गए थे डैम देखने के लिए. हमें ऐसा लगा कि हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे और बढ़िया बढ़िया एकदम ब्लू ब्लू वाटर दिखेगा, क्योंकि एज़ पर
ये जो मैप्स है हमारे नेविगेशन उसके अकॉर्डिंग तो भाई इतना बेहतरीन काफी ह्यूज वाटर बॉडी दिखाई दे रही थी जिसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, लेकिन जब हम लोग उसके उस पार गए तो फिर वहाँ पर लश ग्रीन सुंदर था लेकिन नॉट एज पर एक्सपेक्टेड था। तो अगर आप यहाँ आए खजुराहो और अगर आपको कोई बोट दिखे इधर से बेनी सागर डैम जाते हैं तो मुड़ोगे तो ये दिखेगा, तो वो आपकी मर्जी। फिलहाल तो हम निकलते हैं वापस पन्ना की ओर। मतलब बड़ी दिक्कत हो जाती है कई कई बार जब, मतलब यार मेरे को ऐसी मन बताने का मन करता रहता है मेरा कि गाड़ी से उतरे या चलते रहे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप मूविंग, क्योंकि अगर बीच में पानी पूरी दिख जाए तो ऐसा लगता है यार चले कि रुके, फिर बीच में छोटे वाले समोसे मिल जाए आलू वाले, फिर लगता है कि रुके कि चले, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। रोड ट्रिप्स आर गुड बट नॉट दैट ग्रेट। Yeah, yeah, they got me, can set out on a weekend. Funny